सर यूक्रेन में मैं यूजरोड सिटी में थी। सर यूजरोड में जितने भी स्टूडेंट थे सारे तो डरे ही हुए थे, लेकिन ये था कि यूजरोड जो सिटी है ना पूरे यूक्रेन में सबसे सेफेस्ट पार्ट था वो सिटी। सर हम लोग को सबसे पहले तो अपने हमारी यूनिवर्सिटी से जो कॉलेज बस के थ्रू हम लोग बॉर्डर क्रॉस किए हंगरी बॉर्डर, उसके बाद फिर इंडियन बस आई और हमें एयरपोर्ट तक ले गई थी। सर वहाँ पे तो टोटल जिस सर मेरे साथ तो 250 स्टूडेंट वापस आए हैं। अच्छा। सर अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। यस सर अभी जो है मेरे फ्रेंड ही है जो अभी भी वहाँ यूजरोड में है, तो कोई क्यू में है, कोई खारक्यू में है, अभी भी वहाँ फंसे हुए हैं स्टूडेंट। आप जब लौटे किसी तरह का कोई दिक्कत? नो सर मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुआ। सर मैं बस अपने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि जितने भी अभी जो भी बच्चे खारक्यू में क्यू में उन सब बच्चे को सेफली तुरंत जल्दी से जल्दी यहाँ पहुँचा दे, क्योंकि सारे बच्चे अभी बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। हो गया अभी 2 साल, इसका 2nd ईयर अभी इसका कंप्लीट हो रहा है। 2 साल पहले गई हुई थी वहाँ पे अपने यूक्रेन में यूजोड यूनिवर्सिटी, वहाँ पे हमने MBBS के लिए MBBS की तैयारी के लिए गई थी। अब वही था, बहुत डर था, मन में बहुत तनाव था, बहुत टेंशन था परिवार में कि क्या हो रहा है क्या नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब आप गुड़िया है, अब सिस्टर है, कैसे वहाँ फंसी है तो उसको कैसे वहाँ से निकाला जाए। अब ऐसा न्यूज देख के वहाँ पे इतना स्थिति अभी नाजुक, इतनी खराब स्थिति हो गई है, तो सब देख के बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि अब भगवान से हमेशा यही प्रार्थना कर रहे थे कि जल्द से जल्द, क्योंकि अब दूसरे देश में अब हम चाह के भी यहाँ से कुछ नहीं कर सकते थे। अब जो भी था सब ऊपर वाले और गवर्नमेंट के हाथ में ही था कि अब गवर्नमेंट ही जैसा भी जो करे वही बोले कि अब करेंगे, जैसा भी करके वहाँ से निकालेंगे। तो अभी सब निकाल रहे हैं और एक गुड़िया पहुँच गई, तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत टेंशन फ्री हो गया, एकदम रिलैक्स हो गया, बहुत खुशी है कि गुड़िया सही सलामत। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।